नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार पुनः स्वागत है आपका सबरंग कार्यक्रम में। दोस्तों, हम सभी जीवन में अपने आप को सफलता के शिखर पर पहुंचता हुआ देखना चाहते हैं, एक अच्छा पद पोजीशन प्राप्त करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, या यूँ कहूँ कि अमीर बनना चाहते हैं। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि अमीर बनने के दो तरीके हैं। एक, वो सारी चीज़ें प्राप्त करके जो हम पाना चाहते हैं, और दूसरा, जो चीज़ें हमारे पास हैं उसमें संतुष्ट रहकर। तो दोनों में से कौन सा तरीका ज़्यादा आसान है? सचमुच जो चीज़ें हमारे पास हैं, यदि हम उसमें संतुष्ट रहना सीख जाएं, तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ संतुष्टता होती है, वहाँ सफलता और सर्व प्राप्तियाँ अपने आप पीछे पीछे दौड़ कर चली आती है। तो दोस्तों, आप सदा ही संतुष्ट जीवन का आनंद लेते रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए सुनते हैं आज का सुवाक्य। ओम शांति। कहते हैं कि यदि मेहनत करने के बावजूद भी सपने पूरे ना हो तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं। क्योंकि वृक्ष भी अपने पत्तों को बदलता है, जड़ों को नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है कि निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है तो नहीं। क्योंकि ये जीवन एक समुद्र की यात्रा के समान है, जिसमें किश्तियां भी डूबती रहती हैं, तूफान भी आते रहते हैं, मुसाफिर फना होते रहते हैं, सफर चलता ही रहता है। यदि मल्लाह थके नहीं तो सफर तय होकर रहता है। इसलिए जीवन में कभी भी निराश ना हो, धैर्य रखें, हौसला रखें। क्योंकि मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची हो, रास्ता हमेशा पैरों से होकर ही जाता है। ओम शांति। नाव तब नहीं डूबती जब पानी उसके चारों ओर होता है, बल्कि नाव तब डूबती है जब पानी उसके अंदर घुस जाता है। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार हम बाहरी दुनिया की बातों को अपने अंदर न जाने दें, क्योंकि उसका बोझ हमें डुबा देता है। और सचमुच यदि हम नज़र डालें तो कितनी सारी बातों के बोझ को आज हम अपने मन में लेकर चल रहे हैं, और वही बोझ सच मानिए हमें स्वाभाविक रूप से, मानसिक रूप से, और यहाँ तक कि शारीरिक रूप से अस्वस्थ बना रहा है। तो आज आपको स्वास्थ्य लाभ देने के लिए हमारा अगला सेगमेंट क्या लेकर आया है, आइए सुनते हैं। आपकी सेहत आपके हाथ। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, आज सारा विश्व वर्ल्ड सीओपीडी डे मना रहा है। सीओपीडी अर्थात क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। दोस्तों, ये ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर सीओपीडी, इसका गोल्ड भी कहते हैं इसको, इनकी एक इनिशिएटिव है कि सारे विश्व में ये सीओपीडी अर्थात लंग की जो डिजीज़ होती है, इसमें तंबाकू का बहुत बड़ा कारण, टबैको एक बहुत बड़ा कारण है, जिससे कि हमारी जो एयरवेज हैं, सांस की नालियां हैं, वो नैरो होती जाती हैं, उसकी सूजन आती जाती है, और फिर अंदर लगातार कफ, खांसी और बलगम बनता है, और धीरे धीरे सांस फूलने लगता है, और फिर ये जो बलगम है उसमें तरह तरह के इन्फेक्शन होने लगते हैं। कभी नॉर्मल बैक्टीरिया, या डिपेंड करता है कि हम कहाँ रहते हैं, तो उस तरह के बैक्टीरिया, या फिर हॉस्पिटल में बाई चांस हम किसे विजिट करने जाते हैं तो भी हमें ऐसे इन्फेक्शन लग सकते हैं जो ख़तरनाक इन्फेक्शन होते हैं। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा कारण है, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है। लगभग 30 से 32 लाख लोग इस बीमारी से हर साल मर जाते हैं। टबैको का यूज़ हम जितना हो सके इसको ख़त्म करें। गवर्नमेंट इसके लिए पॉलिसी बनाती है कि कैसे पब्लिक प्लेसेस में तंबाकू का स्मोकिंग करना बंद करा दें। डस्ट पार्टिकल्स इंडस्ट्रीज, और जैसे जो कॉटन इंडस्ट्री है और दूसरी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पोल्यूशन इंडस्ट्रीज हैं, जिससे समाज में ओवरऑल पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इसके कारण से ये लंग्स की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और इसमें अगर हम समय पर संभल जाएँ तो हम इसकी प्रोग्रेस को रोक सकते हैं। और प्लस एक ख़तरनाक बीमारी इस तरह से है कि धीरे धीरे लंग्स हमारे बहुत ख़राब हो जाते हैं, और फिर लंग्स खराब होने से हमारे हार्ट पर भी असर पड़ने लगता है, और हमारे लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिटेन करने लगते हैं, जिससे कि बेहोशी भी आने लगती है। तो दोस्तों, ऐसी ख़तरनाक समस्या से बचने के लिए हम अपने समाज में जागृति पैदा करें, क्योंकि सीओपीडी वालों को इन्फेक्शन भी ज़्यादा होते हैं, कैंसर भी ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम इसी स्टेज पर रोक लें
सही इलाज कर लें तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो आज सारे दिन में हम अपने दोस्तों में, अपने जो भी हमारे एसोसिएशन हैं उनमें ये अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, और जिनको अगर ऐसी प्रॉब्लम है अपने आज जाकर के हॉस्पिटल में चेकअप कराएं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसकी सभी सुविधाएँ अवेलेबल हैं, इसके प्राइमरी फंक्शन टेस्ट अवेलेबल हैं, और अगर हम वो कराएं और एक्सरे करा सकते हैं और दवाइयाँ ले सकते हैं। ओम शांति। दोस्तों, अपने बड़ों के सुझावों को ज़रूर सुनें, इसीलिए नहीं कि वे हमेशा ही सही हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे आपसे ज़्यादा अनुभवी हैं। और सच कहूँ तो केवल बड़े ही नहीं, कई बार हमसे छोटे भी अपने जीवन के सुंदर अनुभव शेयर करके हमें जीवन जीने की एक सुंदर सीख प्रदान कर देते हैं। ऐसे ही आज अपने जीवन के, आध्यात्मिक जीवन के कुछ सुंदर अनुभव लिए हमारे विशिष्ट जन साथ में हैं, विशिष्ट की बातें विशेष में। मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने महत्व को नहीं समझ पा रहा है। हम देख पा रहे हैं कि आज के युग में मनुष्य भटकता हुआ दिख रहा है। उसे सही राह पर लाने के लिए आप क्या भूमिका अदा कर रहे हैं, और कैसे वो धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए आज के? आजकल ऐसा हो रहा है, व्यवहार ऐसा हो रहा है, जो जो टेररिस्ट बनता है, जो लोग अत्याचारी बनता है, वो सब एजुकेटेड रहता है, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये सब नक्सल हो या टेररिस्ट हो, ये सब मार्ग से दूर हो गया, धर्म मार्ग से दूर हो गया। ये कारण क्या है इसके पीछे? बोले तो ये चिंतन अच्छा नहीं है, अपना मानव का चिंतन अच्छा नहीं रहा, इसलिए ऐसा व्यवहार चल रहा है। अपना आध्यात्मिक का जो है, ये बहुत बड़े संत महात्मा हो गए, धन्य स्तुत भारत भूमि भागे, ये भारत भूमि धन्य है। इसलिए बोले तो बड़े महंत संत महात्मा लोग आज तक, ये अपना ब्रह्म कुमारी, ये सब लोग का एक ही चिंतन है, मानव को मानव जैसा व्यवहार करे जी। मानव को मानवत्व का पाठ पढ़ाए, निर्देशन किए, ऐसा व्यवहार करने के लिए ये अपना ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने चिंतन करता है। और ब्रह्मा कुमारी संस्थान बहुत समय से इस दिशा में कार्य करता आ रहा है। आप इस संस्थान से कैसे जुड़े, और आज जैसा कि आपने बताया कि मनुष्य अपनी राह से भटक गया, उसे राह पर लाने के लिए किस तरह से काम कर रहा है ब्रह्मा कुमारी, कैसे आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? ये तो ब्रह्मा कुमारी 75 साल से ये काम करते आए हैं। हम यहाँ के करीब 25 साल से मैं यहाँ आते रहता, अक्सर आते रहता हूँ। मैं इससे प्रभावित हुआ हूँ, किसलिए बोले तो अपना जो सिद्धार्थ स्वामी का जो तत्व चिंतन था, इससे जुड़ता है। मानव और ये धर्म है, अलग अलग नहीं रख सकता है, अलग अलग देखना नहीं चाहिए, मानव को मानव देखना ही धर्म है, क्योंकि वस्तु स्वभाव धर्म, मनुष्य का स्वभाव है जो मानवत्व है, वो धर्म है, वो उसका बारे में अध्यात्म निर्भर है। मानव को मानव बनाना, बाद में माधव बनाना, पहले माधव नहीं होता है, मानव को मानव बनाना चाहिए, रजोगुण वाले को सत्व गुण के ऊपर लाना, पहले उसको भूख नहीं है उसको खाना देना, बाद में विद्या देना। विद्या कम हुआ तो ऐसा होता है आजकल दुनिया में, विद्या बोले तो ये नहीं, आध्यात्म विद्या, आध्यात्म विद्या नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, आत्म का दर्शन, ये दर्शन करा देता है उसको विद्या बोलता है। आत्म का विद्या नहीं है ना, इसलिए इस दुनिया इतना भटक गए हैं। दोस्तों, हम जो स्वयं के लिए करते हैं वो हमारे साथ ही खत्म हो जाता है, लेकिन जो हम दूसरों के लिए, दुनिया के लिए करते हैं, वो सदा रहता है और अमर बन जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि दूसरों की भलाई करके जितनी खुशी हमें मिलती है, उतनी ही खुशी सामने वाले को भी मिलती है। तो इतना ही कहूंगी कि जब कभी भी जीवन में किसी की भलाई करने का मौका मिलता है, तो अपने कदम पीछे नहीं हटाइएगा, क्योंकि सहायता करने वालों को, भला करने वालों को
फरिश्ते कहा जाता है, और सच कहूँ तो जीवन की इसी सुंदर धारणा को अपने जीवन में उतारा है ब्रह्मा कुमारी बहनों ने। कैसे ये विश्व सेवा में, विश्व की भलाई के कार्य में लगी हुई हैं, आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। हरियाणा के करनाल सेक्टर 7 में स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर दीपावली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें चैतन्य लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा मौजूद थी। इस मौके पर आर्ट एंड कल्चर विंग की कोऑर्डिनेटर राजयोगिनी बी के प्रेम दीदी ने कहा कि दीपावली दीपों की रोशनी का पर्व है। ये पर्व नकारात्मकता व अपवित्रता के अंधकार से दूर सकारात्मकता व पवित्रता की ओर ले जाता है। इस दौरान दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात मुख्य अतिथि एसपी चौहान जी, बी के रेणु बहन एवं बी के संगीता बहन ने भी इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस शुभ अवसर पर ब्रह्मा कुमार विजय भाई ने प्रभु स्मृति के गीतों द्वारा सभी के मन परमात्मा संग जोड़ दिए। कार्यक्रम में मनमोहक नृत्य प्रस्तुति भी दी गई। कार्यक्रम में अनेक बी के भाई बहनों ने भाग लिया और इस पर्व को यादगार बनाया। सफलता एक ट्रेन की तरह है, जिसमें मेहनत, भाग्य, लगन और एकाग्रता जैसी कई बोगीज लगी होती है, लेकिन इन सभी बोगीज को आगे बढ़ाने वाला इंजन है आत्मविश्वास। दोस्तों, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, कितनी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, लेकिन अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने दीजिएगा, क्योंकि जहां आत्मविश्वास होता है वहां सफलता होती है। जहां आत्मविश्वास होता है वहां परमात्मा भी हमारी मदद करने को तैयार होते हैं। तो आपका आत्मविश्वास सदा सुदृढ़ बना रहे, आप सदा सफल होते रहें, आगे से आगे बढ़ते रहें, ऐसी ही हमारी शुभकामनाएँ हैं। नमस्कार, ओम शांति।